सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हनी। मधुमक्खियों में सामाजिक संगठन या व्यवहार का अध्ययन करना, ये बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में हमारे प्रैक्टिकल में है। तो आज हम पढ़ेंगे मधुमक्खियों में सोशल ऑर्गेनाइजेशन या व्यवहार का अध्ययन। मधुमक्खियाँ आर्थ्रोपोडा संघ के हाइमेनोपटेरा के अंतर्गत आती है, और हाइमेनोपटेरा के अंतर्गत आने वाला ये अच्छी तरह से आयोजित परिवार समूहों में रहती है। इसे भारत में आमतौर पर सामाजिक जानवर के रूप में जाना जाता है। सामाजिक कीड़े उद्विकास की दृष्टि से एकांत कीड़ों की अपेक्षा उच्च श्रेणी में रखे जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा विकसित प्रकार के व्यवहारों जैसे कि श्रम, खाद्य पदार्थों का एकत्रित करना, शिशुओं की देखभाल करना, इसके लिए इनमें अलग अलग प्रकार के विभेद पाए जाते हैं। समाज में रहने के लिए सिर्फ शहद की मक्खी द्वारा कुछ विकसित प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे कि जटिल घोंसले का निर्माण करना, पर्यावरण को नियंत्रण करना। शहद की मक्खी को आकर्षक प्राणी मधुमक्खी बनाते हैं, क्योंकि सामाजिक संगठन का अस्तित्व इन मधुमक्खियों में होमो सेपियन से भी पहले विकसित हुआ ऐसा माना जाता है। एक शहद की मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उसमें वयस्क सदस्य के रूप में राजा, रानी और श्रमिक तीन प्रकार के कार्यकर्ता पाए जाते हैं। ये मिलकर छत्ते का निर्माण बनाते हैं। कॉलोनी का जो प्रत्येक सदस्य होता है उसमें उम्र में प्रभेद से संबंधित कार्य को प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन जनन का कार्य संपूर्ण कॉलोनी में केवल रानी मक्खी और ड्रोन्स के द्वारा ही किया जाता है। इस डायग्राम में मधुमक्खियों के तीनों प्रभेद को प्रदर्शित किया गया है, जो कि ऊपर बड़े आकार की रानी है, उसके नीचे ड्रोन है, और साइड में श्रमिक छोटे आकार की, और रानी सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है। और इनके सेल्स में इनकी डेवलपमेंटल स्टेज एग, लार्वा और प्यूपा को भी दर्शाई गई है। इसके अलावा इसमें क्वीन का सेल दिख रहा है। क्वीन का सेल क्वीन सेल हनी एकत्रित करने वाला सेल और ड्रोन सेल। मधुमक्खी में तीन प्रकार के प्रभेद पाए जाते हैं, रानी, ड्रोन और श्रमिक। सबसे पहले हम कॉलोनी में पाई जाने वाली जो रानी मक्खी होती है उस रानी मक्खी की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। रानी मक्खी वृंदन की तैयारी के समय सुपर शेड्यूल की अवधि का इस अवधि में रानी मक्खी जो है छत्ते को छोड़ देती है। रानी मक्खी में पाई जाने वाले विशिष्ट प्रकार के लक्षणों में रानी जो है कॉलोनी में पाई जाने वाली द्विगुणित सदस्य होती है और सबसे उपजाऊ और निषेचन योग्य सदस्य होती है। रानी का शरीर इसके साथी सदस्यों ड्रोन्स और श्रमिक की तुलना में और अधिक लंबा होता है। विशेषतः जबकि रानी अंडे दे रही होती है उस स्थिति में इसका शरीर जो है सबसे अधिक लंबा हो जाता है। रानी मक्खी के पंख जो होते हैं इसके उदर के 2/3 भाग को ही कवर किए जाते हैं या आवृत करते हैं, जबकि अन्य प्रकार के जो प्रभेद होते हैं उनका जो उदर है पूरा का पूरा पंखों के द्वारा आवृत किए हुए होता है। रानी का वक्ष श्रमिकों की तुलना में चौड़ा होता है। रानी में पोलन बास्केट, स्टिंगरे अपरेटस यानी विष उपकरण और मोम की ग्लैंड्स जो होती है ये एब्सेंट होती है। इसका जो दंश उपकरण होता है वो श्रमिकों की तुलना में हल्का हो जाता है और वक्रित होता है, लेकिन इस पर पाए जाने वाले जो बार्स होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और संख्या में कम होती है। रानी मक्खी कई वर्षों तक जीवित रह सकती है और कई वर्षों में लगभग 5 वर्षों की अवधि ऐसा माना जाता है। इसकी औसत जो उत्पादक जीवन अवधि होती है वो 3 वर्ष तक होती है। रानी मक्खी का प्रमुख कार्य होता है फेरोमोन्स का स्रावण करना। फेरोमोन्स वे रासायनिक अट्रैक्टेंट्स है जो एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है या कॉलोनी होती है उस कॉलोनी को
बनाए रखने का कार्य करती है। मधुमक्खी कॉलोनी को एकत्रित करने का कार्य या कॉलोनी के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से पहचान देने का कार्य इस फेरोमोन्स के द्वारा किया जाता है। रानी एक प्रकार का प्रमुख फेरोमोन्स निकालती है। इस फेरोमोन्स का स्त्रावण इसके जबड़े की ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कॉलोनी के जो पुष्प हैं, कॉलोनी के जो गुण हैं, उनमें मुख्यतः रानी के द्वारा अंडे देने की क्षमता और रासायनिक उत्पादन क्षमताओं पर निर्भर करता है। रानी का जो स्पेसिफिक क्वीन सेल होता है, उस क्वीन सेल में रहती है। एक सप्ताह के पश्चात रानी जब न्यूपिटल फ्लाइट पर जाती है तो कई सारे ड्रोन्स, जिनकी संख्या 7 से 15 तक हो सकती है, ये रानी के साथ में कॉपुलेशन के लिए पीछे उड़ान भरते हैं। इस उड़ान को सादी उड़ान या न्यूपिटल फ्लाइट कहा जाता है। उड़ान से पहले रानी छत्ते के बाहर आती है, छत्ते के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपने आप को स्थिति के अनुसार अभिविन्यस्त करती है और ये लगभग 13 मिनट के लिए छत्ते को छोड़ देती है। आमतौर पर रानी दोपहर में संभोग या मैथुन करती है और ड्रोन जो है रानी को उसके फेरोमोन्स की विशिष्ट रासायनिक गंध से पहचान लेते हैं। और खराब मौसम यदि होता है तो इस क्रिया में जो न्यूपिटल फ्लाइट है उसमें 2 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन रानी की जो कॉपुलेशन करने की जो योग्यता होती है वो रानी कभी कभी खो देती है और उस समय रानी कैसे केवल अनफर्टिलाइज्ड अंडे देती है। इन अनफर्टिलाइज्ड अंडों से ड्रोन्स की उत्पत्ति होती है। न्यूपिटल फ्लाइट के पश्चात रानी जो है पुनः छत्ते पर लौटती है और 48 घंटे से यह अंडे देना प्रारंभ करती है। कॉपुलेशन के पश्चात रानी जो है कई सारे स्पर्म्स को अपने जो स्पर्म सेमिनल रिसेप्टर का या स्पर्मथीका है उसमें एकत्रित कर देती है। हर बार अंडा देते समय स्पर्म से एक स्पर्म मुक्त होता है और अंडे को फर्टिलाइज करता है। ये आगे चलकर रानी या फिर श्रमिक बनाता है। अगर अंडे को बड़े आकार के ड्रोन के आकार वाले कोष में दिया जाता है तो शुक्राणु को उसमें मुक्त नहीं करती है और बड़े आकार के कोष में देने पर यह आगे चल करके ड्रोन का निर्माण इस अंडे से होता है जो अनिश्चित होता है। रानी के द्वारा दिए गए अंडों की संख्या, रानी द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा, श्रमिकों द्वारा मोम के कोषों के निर्माण की क्षमता और 3 दिन के बाद में अंडे से निकलने वाले लार्वे की देखभाल करने में सक्षम कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है। उत्पादन की चरमावस्था जब होती है तो रानी एक दिन में 1500 अंडे देती है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो सामान्यतः अक्टूबर के शुरू होने में ये अंडे देना बंद कर देती है और अगले जनवरी या बसंत ऋतु तक कोई अंडे नहीं देती है। प्रतिवर्ष रानी लगभग 2,50,000 अंडे तक देती है, जो इसके जीवन अवधि में तो कुल ये 1,000,000 तक अंडे देती है। रानी द्वारा उत्पादित जो पदार्थ होते हैं उन्हें फेरोमोन्स जो होता है पर्याप्त मात्रा में उत्पादित यदि नहीं होता है तो रानी की जो है छत्ते पर जो दूसरे सदस्य हैं उन पर पकड़ ढीली हो जाती है। ऐसी स्थिति में श्रमिक जो है रानी को बदलने की तैयारी कर देते हैं और इस समय को कहते हैं अधिलंघन या सुपर शेड्यूल। इस घटना के पश्चात जो पुरानी रानी होती है उसके पुत्र और कों के साथ में कुछ समय के लिए छत्ते में ही बने रहते हैं और बाकी छत्ता छोड़कर चले जाते हैं। नई रानी निषेचित अंडों या श्रमिक के जो लार्वे होते हैं वो 3 दिन से अधिक पुराने नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तित की जाती है और नई रानी का जो परिवर्तन होता है वो जीन अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। आपात स्थिति में, सुपर शेड्यूल स्वार्मिंग की स्थिति में या दुर्घटनावश की पुरानी रानी के मर जाने के कारण जो है नई रानी श्रमिकों के द्वारा स्थानांतरित कर दी जाती है। मधुमक्खियों जो कि युवा जो श्रमिक लार्वे होते हैं वो आपातकालीन रानी बनाने हेतु चयन करते हैं। इस समय रानी का जो है परिवर्तन काल वो रूपांतरित होकर श्रमिक कोष को कंघी की सतह पर खड़ी घूमने हेतु संशोधित होते हैं और इसमें किया जाता है कि पुरानी रानी का गिरना प्रारंभ होता है, अर्थात रानी का उत्पादन घटता जाता है, तब कॉलोनी में एक नई रानी परिवर्तित की जाती है। अधिलंघन के द्वारा उत्पादित जो रानी होती है वो आपातकालीन रानी से अच्छी होती है क्योंकि ये परिवर्तन के समय में बड़ी मात्रा में भोजन और रॉयल जेली को प्राप्त करती है। ड्रोन्स या नर जो होते हैं वो दूसरे सदस्य होते हैं। ये कॉलोनी के जो पुरुष सदस्य होते हैं वो ड्रोन्स कहलाते हैं। इन ड्रोन्स की उत्पत्ति बिना निषेचन के होती है, इसलिए युग्मक के बिना ही
अनिश्चित अंडे जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो ड्रोन्स को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार का जो जनन होता है मधुमक्खियों में उसको अनिषेक जनन या एरिनोटैकी कहा जाता है। ड्रोन्स में पाए जाने वाले कुछ डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। ड्रोन्स जो होते हैं वो कॉलोनी की सामान्यतः बड़ी मक्खी होती है। कॉलोनी में केवल यही सदस्य होते हैं जो नर होते हैं। रानी और श्रीमंगों की तुलना में इनका सिर अत्यधिक बड़ा होता है और इनके जो संयुक्त नेत्र होते हैं वो सिर के प्रस्थ सिर की ओर खिसके हुए होते हैं। नरों में दंश उपकरण पाया जाता है, पोलन बास्केट पाई जाती है और मोम की ग्रंथियों, इन तीनों का जो है अभाव होता है। दंश उपकरण, पोलन बास्केट और मोम ग्रंथियों का अभाव होता है, ये अगुणित नर होते हैं। ड्रोन्स का कार्य केवल जो है कॉपुलेशन की प्रक्रिया में भाग लेना है। जब रानी मक्खी न्यूपिटल फ्लाइट में जाती है तो उसके पीछा करना ही इन ड्रोन्स का कार्य है। कोष से निकलने के पश्चात ये एक सप्ताह में लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और संयोग के तुरंत बाद ही ये मर जाते हैं। कॉलोनी के लिए ये कोई भी उपयोगी कार्य नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी उपस्थिति जो है कॉलोनी की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन सामान्यतः श्रमिकों के भोजन पर निर्भर करते हैं और श्रमिकों की तुलना में 3 गुना अधिक खाना खाते हैं। 8 दिनों के होने तक ये छत्ते पर ठहरते हैं और उन्हें फूलों के भोजन लेते हुए कभी भी नहीं देखा जाता है। श्रमिक जो होते हैं ये कॉलोनी में सबसे अधिक संख्या में होते हैं और आकार में सबसे छोटे होते हैं। एक कॉलोनी के बड़े हिस्से का गठन करने का कार्य श्रमिकों पर निर्भर करता है। वास्तव में श्रमिक अपरिपक्व रूप से महिलाएं होती है और इनकी विशेषता है श्रमिक डिप्लोइड होते हैं, बांझ महिलाएं होती है और इनकी श्रम की आदतों के कारण इनके शरीर में विशेष प्रकार के अनुकूलन और विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। सबसे पहला इनका कार्य डिफेंस करना, इसके लिए इनमें स्टिंग रे अपरेटस या संशोधित जो अंड निगदनांग का और ओवोपोजिटर का संशोधित रूप है वो पाया जाता है। इसमें मकरंद को चूसने के लिए एक लंबी सुंड पाई जाती है। हवा करने के लिए मजबूत काइटिनीकृत पंख होते हैं। पश्च पैरों की जो टिब्बिया है उसमें पाई जाने वाली पोलन बास्केट जो होती है पोलन्स को एकत्रित करने का कार्य करती है और मोम को स्त्रावित करने के लिए इनके उदर का जो चौथा खंड है उसमें मोम ग्रंथियाँ पाई जाती है। श्रमिकों का जो कार्य है वो छत्ते के कोषों को साफ करना, पॉलिश करना, कॉलोनी के बच्चों की देखभाल करना, मलबे को हटाना, आने वाले मकरंद को संभालना, मोम की कंघी करना, प्रवेश द्वार की चौकसी करना, प्रारंभिक कुछ हफ्तों तक वयस्कों के रूप में वातानुकूलित और हवादार छत्ते के लिए पंखे जलने का कार्य करना और बाद में ये क्षेत्र मकरंद, प्राग और पानी से जब भर जाते हैं जो कि पौधों का एक प्रकार का रस होता है तो उसकी देखभाल करने का कार्य करती है। श्रमिकों को उनके नाम के या उनके काम के आधार पर पुनः नाम दिए गए हैं, जैसे मकरंद एकत्रित करने वाली मक्खी ये केवल मकरंद लाने का कार्य करती है। इनके मुखांग की मैक्सिली और लेबियम जो है इस प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं कि ये अच्छी तरह से मकरंद को एकत्रित कर सके। सैनिक मक्खी जो होती है केवल बारीक शत्रुओं से रक्षा करने के लिए होती है। जो सफाई कतरी होती है वह कंघे के समान सफाई करने का कार्य करती है छत्ते का। और अंडे देने वाली जो मक्खी होती है, जब कॉलोनी की रानी मक्खी कभी कभी किसी कारणवश नहीं रहती है तो कई सारी जो श्रमिक मक्खियाँ हैं उन सारी श्रमिक मक्खियों में अंडे जो है अंडा से परिपक्व हो जाता है। इस स्थिति में जो कॉलोनी होती है वो पॉलीक्विनिक स्थिति हो जाती है। इस समय जो श्रमिक अनिश्चित अंडे देने का कार्य करते हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्रमिकों के अंडाशयों का विकास कॉलोनी में बच्चों की उपस्थिति, रानी की उपस्थिति और उनके द्वारा स्त्रवित जो फेरोमोन्स है उन पर निर्भर करती है। यदि रानी का फेरोमोन्स ढीला पड़ता है तभी इस श्रमिकों का जो अंडा से परिवर्तित होने लगता है, किंतु जब तक रानी के फेरोमोन्स का प्रभाव रहता है तो वो कॉलोनी को एक सुदृढ़ अवस्था में बांधे रखती है और कोई भी श्रमिक जो मक्खी होती है उसका अंडा से परिपक्व नहीं होता है या वह रानी के रूप में कार्य नहीं करती है। लेकिन श्रमिक द्वारा अंडे देने की जो अभिप्राय यह होता है कि रानी मक्खी छत्ते में नहीं है, कम से कम 1 सप्ताह से जब रानी मक्खी छत्ते में नहीं होती है तभी श्रमिकों का अंडा से डेवलप होकर के वो अंडे देने लगते हैं। श्रमिकों के द्वारा अंडे दिए जाना उस समय भी होता है जब मक्खियाँ जो है वृंदन के समय या मौसम खराब हो या रानी छत्ता छोड़ के चली गई हो या रानी का नेतृत्व दुर्लभ पड़ गया हो या गर्मियों के समय में श्रमिकों की जो जीवन अवधि है वो लगभग 6 सप्ताह की होती है।
एक मधुमक्खी कॉलोनी की सामाजिक संरचना को बनाए रखना रानी और श्रमिकों का जो है प्रमुख कर्तव्य है। इनकी उपस्थिति और इनके संचार की जो प्रणाली होती है उसी पर रानी मक्खी का जो है या मधुमक्खी की कॉलोनी की जो सामाजिक संरचना है उसका अस्तित्व बना रहता है। कॉलोनी के अस्तित्व के लिए आवश्यक क्रियाओं का नियंत्रण होना, रासायनिक फेरोमोन्स के वितरण में और विचारों का आदान प्रदान करने वाली जो संचारी नृत्य है उन पर भी निर्भर करता है। एक वृद्धि करती हुई कॉलोनी जो होती है उसमें श्रमिकों की संख्या जो है 60,000 तक होती है। जब भी कोई श्रमिक मक्खी किसी भोजन स्रोत या मकरंद की जानकारी पाती है तो उसकी सूचना उसके साथी श्रमिक मक्खियों को निश्चित लयबद्ध गतियों के रूप में देती है या संकेतों के रूप में देती है जो इसके फैलाव को सुनिश्चित करते हैं। यह जो अन्य मक्खियों के द्वारा पकड़ ली जाती है और विचारों के आदान प्रदान या संप्रेषण हेतु इन मधुमक्खियों में दो प्रकार के नृत्य पाए जाते हैं। पहला नृत्य घूमर नृत्य या रेंड टेज कहलाता है, दूसरा पूछ अभिदोलन नृत्य या स्वान जेंटेंग कहलाता है। जो घूमर नृत्य या रेंड टेज होता है उसमें मकरंद का स्त्रोत जो होता है छत्ते के बहुत ही समीप होता है, तब इस प्रकार का नृत्य कहा जाता है और इसे घूमर नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में मधुमक्खी पहले ऊर्ध्वर तल में कुछ देर तक उड़ती है, उसके पश्चात अचानक दाई या बाई दिशा में घूम जाती है और फिर किसी विशेष स्थल पर किए हुए इस कार्य को कई बार दोहराती है। तो इस प्रकार की घूमर नृत्य से जब भोजन का स्त्रोत पास में होता है तो उसकी सूचना दी जाती है। दूसरा वाला नृत्य कहलाता है पूछ अभिदोलन नृत्य। पूछ अभिदोलन नृत्य को स्वान जेंटेंग भी कहते हैं और इसके अंतर्गत मधुमक्खी जो है एक निश्चित दूरी तक सीधी रेखा में गमन करती है और उसके पश्चात उसका जो एब्डोमन या उदर वाले भाग को हिलाती है। हिलाने के पश्चात ये दाईं और बाईं दिशा में घूमकर आठ की जो आकृति होती है उसका निर्माण करती है। इस प्रकार भोजन के स्रोत की दूरी की जानकारी देती है, अन्य सभी साथियों को देती है। अभिदोलन नृत्य जो होती है वह सामान्यतः प्रातःकाल से सायकाल में सूर्य की स्थिति के अनुरूप भी किया जाता है। नृत्यों का कार्य भोजन के स्रोत की सूचना देना ही नहीं होता है अपितु नए छत्ते के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान को ढूंढना भी होता है। इस प्रकार इस संबंध में कार्ल वॉन फ्रिट्ज को जो है उन्होंने अनेकों अनुसंधान किया है। तो ये हमारा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हनीबी है वो वाला टॉपिक है, प्रैक्टिकल के रूप में समाप्त होता है। आप